और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हिस्ट्री का डे 12 है और जिसमें हम शैव धर्म के टॉप 15 सवाल को कवर करेंगे। ये सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटे सा मोटिवेशन को ले लेते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि शैव धर्म क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि शिवलिंग की उपासना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। शिवलिंग की उपासना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से शिवलिंग के साक्ष्य को पाया गया है। हमारा तीसरा सवाल है कि ऋग्वेद में शिव को किस नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में शिव को किस नाम से पुकारा गया है? इसका सही जवाब होगा रुद्र। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम से पुकारा गया है। हमारा चौथा सवाल है, लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है। लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? इसका सही जवाब होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन मिलता है। हमारा पांचवा सवाल है कि महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। इसका सही जवाब होगा अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है जो कि महाभारत में है। हमारा छठा सवाल है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। इसका सही जवाब है 4। हमारा सातवां सवाल है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। इसका सही जवाब होगा मखली पुत्र गोशाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा आठवां सवाल है, कपालिक संप्रदाय का इष्ट देव कौन था। कपालिक संप्रदाय का इष्ट देव कौन था? इसका सही जवाब है भैरव। हमारा नौवां सवाल है, लिंगायत संप्रदाय भारत में किस और प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय भारत में किस ओर प्रचलित था? इसका सही जवाब होगा दक्षिण की ओर। हमारा दसवां सवाल है कि लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है या क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य संपादने। शून्य संपादने। हमारा 11वां सवाल है, शैव धर्म का प्रचार किस काल में हुआ था। इसका सही जवाब होगा पल्लव काल में नारायणों के द्वारा। हमारा 12वां सवाल है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रकूटों ने। हमारा 13वां सवाल है कि तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर का शैव का जो मंदिर का निर्माण है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है चोल शासक राज राज प्रथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। हमारा 14वां सवाल है कि किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा कुषाण शासकों के। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। हमारा 15वां और आखिरी सवाल है, अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है संजय बेठली पुत्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जीके जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।